मेरा नाम तोरुंदा, आज बताने वाला हूँ मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जिसका नाम है स्टिफनेस। स्टिफनेस वो प्रॉपर्टीज है जिसमें लोड लगाने से डिफॉर्मेशन होता है, लोड हटाने से डिफॉर्मेशन हट जाता है दोस्तों। तो जो नॉर्मली जो ये स्टिफनेस है ये सबसे ज़्यादा दिखता है जो इंस्ट्रूमेंट है जो है जिसका नाम है स्प्रिंग। स्प्रिंग टाइप्स ऑफ स्प्रिंग होता है, हेलिकल स्प्रिंग, लेब स्प्रिंग, जिसमें लोड लगाते बराबर उसका डिफॉर्मेशन दिखता है दोस्तों। दोस्तों मैं एक बार दिखाने पर हूँ इसका ऑब्जर्वेशन जो है, जो आपके सामने दिख रहा है दोस्तों, ये हमारा मशीन है जिसका नाम है स्प्रिंग टेस्टिंग मशीन। इसमें टू टाइप्स ऑफ टेस्ट किया जाता है, एक बार कॉम्प्रेसिव करके उसका स्टिफनेस दिखाया जाता है, एक बार टेंसाइल करके उसमें स्टिफनेस दिखाया जाता है। ये हाइड्रोलिक ऑपरेटेड सिस्टम है दोस्तों। इसके बाद बता रहा हूँ जो स्टिफनेस है जो नॉर्मली हेलिकल स्प्रिंग के ऊपर, हेलिकल स्प्रिंग जो होता है उसका दूसरा एक एडवांटेज है जो एनर्जी स्टोरेज का काम करता है, शॉक एब्जॉर्बेशन का काम करता है और स्टिफनेस में काम करता है। दोनों इंपॉर्टेंट चीज जो मैकेनिकल के अंदर होता है, शॉक एब्जॉर्बर, एनर्जी स्टोरेज और स्टिफनेस, ये तीनों चीज इंपॉर्टेंस होता है, इसलिए स्टिफनेस के अंदर करना है। तो दोस्तों जो स्टिफनेस जो डिनोटेड होता है वो कैसे होता है, जो लोड अपॉन डिफ्लेक्शन होता है, लोड अपॉन डिफ्लेक्शन होता है। और एक चीज होता है जो इस स्प्रिंग के अंदर दिखता है जिसका नाम है हुक्स लॉ, जो स्ट्रेस अपॉन ट्रेन होता है वो कैसे होता है, कैसे स्टिफनेस कैलकुलेशन किया, मैं मशीन के साथ कैलकुलेशन करके प्रैक्टिकल करके आपको सब दिखाने वाला हूँ दोस्तों। इसमें ऑब्जर्वेशन टेबल जो होता है कैपिटल डी, जो वायर जो स्प्रिंग होता है दोस्तों, जो स्प्रिंग है इसका जो डायमीटर होता है वो कैपिटल डी होता है, जो 105 mm है। जो वायर, जिस वायर से ये स्प्रिंग बना हुआ जिसका डायमीटर स्मॉल डी है, जो 18 mm है। जो नंबर ऑफ टर्न दोस्तों 1, 2, 3, 4 नंबर ऑफ कितना कॉयल है उसके अंदर, वो होता है एन होता है, जो 6 है। इस हिसाब से पूरा कैलकुलेशन किया जाता है दोस्तों, जो ऑब्जर्वेशन टेबल के थ्रू आप दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। डी डी एन डब्ल्यू इज ए लोड दोस्तों। ये जो हमारे पास मशीन है जिसमें मशीन का मैक्सिमम कैपेसिटी 20 kN है, जो न्यूटन पे आपको लोड शो कर रहा है। और जो डिफॉर्मेशन होगा, जो डिफ्लेक्शन होगा, वो आपको ए पॉइंटर से दिखाया, जहाँ पर स्केल लगा हुआ है लोड डिफ्लेक्शन। जैसा जैसा लोड बढ़ते जाएगा आपका डिफॉर्मेशन जो भी कुछ होगा, कॉम्प्रेस होगा, टेंसाइल होगा, जो भी कुछ होगा, ये आपको जो इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है यहाँ से आपको पता लगेगा दोस्तों डिफॉर्मेशन। तो आपका स्टिफनेस निकल के आ जाएगा, तो लोड अपॉन डिफ्लेक्शन होता है दोस्तों स्टिफनेस। इसके बाद होता है स्प्रिंग इंडेक्स। स्प्रिंग इंडेक्स जो होता है एक न्यूमेरिक नंबर होता है, जो कैपिटल डी बाई स्मॉल डी होता है, मतलब वायर का डायमीटर डिवाइड बाई कॉयल का डायमीटर डिवाइड बाई वायर का डायमीटर। और दूसरा नंबर जो होता है जी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो फॉर्मूला होता है 8WDQN डिवाइड बाई डेल्टा D4। इस फॉर्मूला से हमारा पूरा कैलकुलेशन करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसके बाद में ये मशीन पे अंदर सबसे पहले एक टाइम एट ए टाइम एक ही टेस्ट किया जाता है, कॉम्प्रेसिव नहीं तो टेस्ट। हमने कॉम्प्रेसिव टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ दोस्तों। मैंने कॉम्प्रेसिव के लिए टेंसाइल का जो स्प्रिंग मैं हटा दिया टेंसाइल का स्प्रिंग हटा दिया। इसके बाद हमारा कॉम्प्रेसिव सबसे पहले इनिशियल कंडीशन लेके आना है। इनिशियल कंडीशन का प्रोसेस होता है जो भी स्प्रिंग, अभी दोनों जो इंटरमीडिएट स्प्रिंग, इंटरमीडिएट बेस, लोअर बेस, अपर हेड, ये तीनों के बीच में जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस होता है, तो इंटरमीडिएट फिक्स रहता है और लोअर हेड जो है वो धीरे धीरे ऊपर तरफ जाता है और आपस में ये कंप्रेस हो जाता है। कैसे कंप्रेस है? ये हमारा वाल्व है जो ओपन क्लोज वाल्व, इसको क्लोज कर दिया जाएगा, जो हाइड्रोलिक प्रेशर है धीरे से, ये पिस्टन दिख रहा है दोस्तों, ये पिस्टन में इसको पिस्टन में पुश करेगा, पिस्टन जैसे पुश करेगा ये धीरे 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 ऊपर तरफ जाएगा। इसमें हमारा लिस्ट काउंट के हिसाब से, हमारा डायल के हिसाब से इसका जो लोड है वो जीरो कंडीशन में है। इसको सबसे पहले इनिशियल कंडीशन ले आना है। इनिशियल कंडीशन में ये जो स्प्रिंग हिल रहा है ये बंद हो जाता है, दोनों पिस्टन हेड आपस में कनेक्ट हो जाता है, तो आपका इनिशियल प्रोसेस शुरू हो जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं वो कोशिश कर रहा हूँ, दोस्तों ये हमारा स्प्रिंग का हिलना बंद हो गया, मतलब हमारा लोअर हेड और इंटरमीडिएट हेड में स्प्रिंग का जो लोअर बेस और अपर बेस है वो दोनों आपस में चिपक गया है, उसका प्रोसेस शुरू कर दिया है। इसके बाद आपको रीडिंग लेना है कंप्रेसिव स्ट्रेस के लिए, जो नॉर्मली जो रीडिंग होता है वो डिफ्लेक्स जो लोड है, लोड को फिक्स अमाउंट पे छोड़ दिया जाता है, जैसे 1 kN, 2 kN, 3 kN, एक फिक्स
कारण हमारा ये जो मशीन है, एक मशीन लॉ फॉलो करता है, जो हुक्स लॉ होता है मशीन लॉ फॉलो करता है, जो पी इजकल टू एम डब्ल्यू प्लस सी, एक स्ट्रेट लाइन होता है, प्रोपोर्शनल लिमिट होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। वो स्ट्रेट लाइन तभी बनेगा जब हमारा ये लोड और डिफ्लेक्शन के बीच में रेशियो जो कॉन्स्टेंट रहेगा। तो हमने इस कंडीशन में इसका जो ऑब्जर्वेशन टेबल के हिसाब से, दोस्तों ये ऑब्जर्वेशन टेबल के हिसाब से हमारा जो लोड है वो फिक्स कर लेता हूँ। जैसा 0.5 किलो न्यूटन पहला रीडिंग, 0.5 किलो न्यूटन सेकंड रीडिंग, 1 किलो न्यूटन, 1.5 किलो न्यूटन, 2 न्यूटन, 2.5 किलो न्यूटन, इसी हिसाब से लोड के हिसाब से जो भी डिफॉर्मेशन होगा, जो भी डिफ्लेक्शन होगा, कॉम्प्रेसिव होगा, वो यहाँ से आपको नोट करना है। दोस्तों सबसे पहला हमारा रीडिंग आएगा, इनिशियल कंडीशन है तो हमारा इस समय इनिशियल कंडीशन है 2.8 mm। दोस्तों इनिशियल कंडीशन है 2.8 mm हमारा, ये जीरो कंडीशन है, जब डायल गेज जीरो पे है तो 2.8 mm। इसके बाद हम इसके अंदर 0.5 किलो न्यूटन का लोड लगा रहा हूँ। दोस्तों ये हमारा डायल गेज जो है 0.5 किलो न्यूटन लोड लग गया। इस समय हमारा जो पॉइंटर है वो 3.1 पे है, तो हमारा जो डिफॉर्मेशन हो गया वो है 3 mm। लोड है 0.5 किलो न्यूटन, वो डिफॉर्मेशन हो गया 3 mm। इसके बाद 1 किलो न्यूटन 3.4 मतलब 6 mm, 1 किलो न्यूटन के लिए 6 mm, 1.5 किलो न्यूटन 1.5 किलो न्यूटन तो ये हो गया 9 mm, 2 किलो न्यूटन 2 किलो न्यूटन तो हो गया 40.2 मतलब 12 mm, बार हो गया 2.5 mm। दोस्तों 2.5 mm, 2.5 mm हमारा लोड है जो किलो न्यूटन पे है। इस समय हमारा हो गया है 4.5 mm, 4.5 mm मतलब 15 mm। दोस्तों हमारा रीडिंग आ गया है, ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों लोड 0.5 mm तो 3 mm का डिफ्लेक्शन, 6 mm का डिफ्लेक्शन, 9 mm का डिफ्लेक्शन, 12 mm का डिफ्लेक्शन, 2.5 किलो न्यूटन जब लोड लगता है तो उसका डिफ्लेक्शन 15 mm हो रहा है। इसी सब से पूरा डेटा कैलकुलेशन करके आपको मैं के सी जी ये सब कैलकुलेट करके मैं अभी बताने वाला हूं दोस्तों। और मैं वो थोड़ा सा मशीन के पास से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों ये हमारा मशीन है, इसमें आपका लोड लगा हुआ है, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आपका डिफ्लेक्शन दिख रहा है, ये हेलिकल स्प्रिंग है, ये हेलिकल स्प्रिंग है। दोस्तों हर पॉइंट में आपको दिखाने की कोशिश किया, इसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। दोस्तों हेलो दोस्तों, अभी हमारे पास रीडिंग आ गया है, इसी रीडिंग के हिसाब से मैं पूरा कैलकुलेशन करके आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले जो आपको के निकल के बताने वाला हूँ, के जो है स्टिफनेस, जो के होता है 0.5 के लिए, के जो होता है वो के इज इक्वल टू लोड बाय डिफ्लेक्शन, लोड 0.5 और डिफ्लेक्शन 3 mm। 1 किलो न्यूटन, 1 किलो न्यूटन का जो के होगा 1 डिवाइड बाय 6 mm, 1.5 के इज इक्वल टू 1.9, 2 का के जो है 1.12, 2.5 का जो के है 1.5 equal to 15 mm। दोस्तों सीधा मैं कैलकुलेटर से आपको करके दिखाने वाला हूँ। दोस्तों ये आप सामने रख दिया, मैंने सबसे पहले क्या कैलकुलेशन कर रहा हूँ, के तो 0.5 डिवाइड बाई 3, 0.166, 1 डिवाइड बाई 6, 0.166, 0.166, 0.166, 0.166, ये सभी हमारा के है। के जो स्टिफनेस जिसका यूनिट है ऊपर में हमारा न्यूटन है, किलो न्यूटन पर मिलीमीटर। दोस्तों किलो न्यूटन पर मिलीमीटर हमारा ये आ गया स्टिफनेस। स्टिफनेस के बाद जो कैलकुलेशन करना है दोस्तों, जिसका नाम है सी श्री जे स्प्रिंग इंडेक्स कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, कैपिटल डी 105 mm है, स्मॉल डी जो है आपका 18 mm है, तो स्प्रिंग इंडेक्स आता है 105 डिवाइड बाई 18 तो होता है 5.8 यूनिटलेस है। इसके बाद आता है हमारा जी, जो जी कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ, जी का जो फॉर्मूला होता है, जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है वो होता है 8W
डी क्यू एन डिवाइड बाई डेल्टा डी फोर, 8 इंटू डब्ल्यू इज ए लोड 0.5 किलो न्यूटन लोड इंटू डी स्क्वायर, डी है 105 का स्क्वायर क्यूब इंटू एन है 6। नेक्स्ट दोस्तों मैं नीचे बता रहा हूँ, डिफ्लेक्शन मान लिया 0.166 इंटू डी के पावर 4, डी है 18 के पावर 4 दोस्तों, 105 का पावर 3, 105 का पावर है इंटू 6 इतना, इंटू 0.5 इतना, इंटू 8 2778300। नेक्स्ट जो है 18 के पावर 4 इतना इंटू 0.166, 174260 16 17 426 016। दोस्तों इसके बाद हमारा जो रिजल्ट आता है वो मैं पूरा करके दिखा रहा हूँ, 277831230 डिवाइड बाई 1742601.5 यह है किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। दोस्तों ये हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी निकल के आ गया। ऐसा जब हम कैलकुलेशन करना है, सभी में कैलकुलेशन करना है दोस्तों, अभी मेरे से पहला जो लोड हमारा 0.5 किलो न्यूटन था, जिसका लोड 0.5 किलो न्यूटन था, 0.5 किलो न्यूटन का जिसका लोड था उसका मैंने कैलकुलेशन किया, और बाकी कैलकुलेशन अभी दो बचा हुआ है दोस्तों। इसके बाद जब इसका पूरा कैलकुलेशन आ जाएगा तो उसमें से लोड डिफ्लेक्शन कर्व आपको निकलना होता है। जब लोड यहाँ से लोड हमने लगा रहा है, यहाँ हमारा डेल्टा है, जब इसको प्लॉट करना है, पहला पॉइंट यहाँ आएगा, सेकेंड पॉइंट यहाँ, थर्ड पॉइंट यहाँ, फोर्थ पॉइंट यहाँ, फिर जब ये दिखेगा, जब इसको पोर्ट करने के बाद आपको दिखेगा दोस्तों एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाता है। ये स्ट्रेट लाइन होना जरूरी है, कारण हमारा जो मेसी लॉ जो बताता है, जो एक स्ट्रेट लाइन है जो एकदम प्रोपोर्शनल लिमिट से ही चलता है, ये सभी पॉइंट जब कैलकुलेटेड होने के बाद आपको पता लग जाएगा इसका पोजिशन क्या है, स्टिफनेस क्या है, लोड कैसा अप्लाई हो रहा है, सिर्फ कंप्रेसिव नहीं है, टेंसाइल करने के बाद भी आपको इसका रिजल्ट एनालिसिस करना होता है। दोस्तों माय चैनल नेम क्लासरूम दादा, अच्छा लगे जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट भेजें, लाइक करें, थैंक यू।